बात करते हैं खैरपुर से, जहां फंक्शन लीग संघ के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने फंक्शन लीग जिला नौशहर और फिरोज के सरदार फकीर गुलाम जान डहरी के खिलाफ दाखिल झूठे मुकदमात के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सिंध के करप्ट हुक्मरानों को मुतंबा किया जाता है कि फंक्शन लीग के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद किया जाए, बसूरत सिंध में सख्त एहतजाज किया जाएगा। वो रानीपुर में बीरपुर से मीडिया से बात कर रहे थे। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि जरदारी लीग से सिंध भर में फंक्शन लीग और जीडीए के कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जो कि काबिले मुजम्मत है। सियासत करने का हर किसी को हक है, मगर जरदारी लीग आने वाले इंतखाबात से कबल शिकस्त से बचने के लिए धमकियों पर उतर आई है, मगर शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी। सिंध के करप्ट और चोर हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों के बजाय अवाम के मसाइल को हल करने की तरजीह दें। उन्होंने आई जी से मुतालबा किया कि जरदारी लीग के हाथों इस्तेमाल होने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पुलिस का मयार बेहतर किया जाए, ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो और फकीर गुलाम जान डहरी और दीगर के खिलाफ दाखिल झूठे मुकदमात खारिज किए जाए।